सीट की बात आती है तो वही 7 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। 2 सीट तो आपने इसलिए खड़ा करा कि कोई मुसलमान कैंडिडेट जीत करना है, अजहरुद्दीन को हराने के लिए जुबली हिल से कैंडिडेट को खड़ा कर दिया ताकि क्रिकेटर अजहरुद्दीन हार जाए। यानी मीन्स कोई मुसलमान नेता, कोई मुसलमान MLA असेंबली में इनके अलावा आकर ना बैठे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ईगो, दिस इज द प्लानिंग। ये कोशिश करते हैं, ये कहते हैं मैं बीजेपी से लड़ने के लिए निकला हूं। कहां लड़ रहे हैं बीजेपी से? आप जाके मुस्लिम एरिया में लड़ रहे हैं यूपी में, आप गुजरात जा रहे हैं मुस्लिम एरिया में, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं मुस्लिम एरिया में, वहां बीजेपी कहां है? वहां तो मुसलमान ही छे एरिया में, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं आप जाके। यहां से क्या बोल के निकल रहे हैं कि मैं बीजेपी से नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए जा रहा हूं, और वहां जाकर मुकाबला कर रहे हैं किससे? मुसलमानों से। और आपके तहत हिंदू कट्टरबंदी हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, असदुद्दीन अवैसी आ गया, आपके भाई अकबरुद्दीन अवैसी जो हिंदू भगवानों को बुरा भला बोले, बहुत बुरा भला बोले भगवानों को, जबकि हमारी कुरान के अंदर है तुम किसी के माबूदों के बारे में, किसी के खुदाओं के बारे में बुरा मत कहो। सूरह निसा की एक हमारी क्लियर आयत है कि किसी के भगवानों के बारे में ना बोलो, हर भगवान का तुम एहतराम करो, वो भी तुम्हारे खुदा का एहतराम करेंगे। तो तुम कुरान की बात को, अल्लाह की बात को तुम नहीं मानकर तुम उनके लॉर्ड राम, उनकी माँ के बारे में तुम गंदे गंदे बातें किए। मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, इनके केसेस कैसा खत्म होंगे? आजम खान यूपी के खद्दावर लीडर है, MP थे, बेटा MP, बीवी MLA, बेटा MLA, इतना बड़ा लीडर, वो लड़ रहा है, सेकुलर माइंडेड है, लेकिन आज जो जेल की सलाखों के पीछे, उसका मेडिकल कॉलेज ले लिए, उसके सारे प्रॉपर्टीज ले लिए, बीवी एक जेल में है, बेटा एक जेल में है, आजम खान एक जेल में है, क्या बात है? असदुद्दीन अवैसी के पास ED वाले नहीं आते, इनकम टैक्स वाले नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी असदुद्दीन अवैसी का हिसाब किताब नहीं लिखती, क्यों? बिकॉज ये अंदर से बीजेपी से मिले हुए बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये निकल के जो हम भी सारे इंडिया के अंदर ये अमित शाह के इशारे के ऊपर काम करते हैं, इनका काम वही है कि बीजेपी जब तक रहेगी इनकी दुकान चलती रहेगी। अगर आप बीजेपी से इतने लड़ना चाह रहे हैं, आपके अपने हल्के में आपका अपना हल्का एक पार्लियामेंट का हल्का हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 7 सीटें हैं, 7 सीटों में आप 6 MLA को खड़ा करते हैं कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को आपने खड़ा किया, क्यों? आप पार्लियामेंट में वोट लेते हैं 45,000-50,000 उस क्षेत्र से लेते हैं, गोशा में हल्के से जहां पे आपका हेड ऑफिस दारुसलाम, दारुसलाम जिस हल्के में है ऑफिस, वो हल्का राजा सिंह के लिए। राजा सिंह सुबह शाम उठ के आपकी माँ बहन आपकी बीवी को गंदे गालियां देता है आपको, वो हमारे प्रोफेट मोहम्मद की शान में भी गुस्ताखी किया, अरे लड़ो ना, तुम कैंडिडेट उसके खिलाफ उतारो ना जो तुमको रोज गालियां देता है, रोज बुरे बुरे बातें करता है, वहां नहीं लड़ते अपने क्षेत्र में, नहीं लड़ते पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपनी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर नहीं लड़ रहे आप, यूपी में जाके लड़ रहे, बिहार में जाके लड़ रहे। तो दोस्तों मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से, जहीराबादी की, तेलंगाना की, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है मुसलमानों का, यमायम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हैदराबाद के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन में करीब 2 लाख मुसलमान असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ वोट देते, 2 लाख हर बार 2 लाख मुसलमान हैदराबाद में वोट देते अवैसी के खिलाफ, ये सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए आप लोग को मिल जाते। अब वो 2 लाख जो है वो उनसे नाराज है, पुलिस उनके साथ मिली होती है, KCR के साथ है, गुंडागर्दी करते हैं, बुद्ध कैप्चरिंग करते हैं, बोकस सोर्स है, बोकस सोर्स इतने ज्यादा बोकस सोर्स है, एक एक हल्के के अंदर 50,000 बोकस सोर्स है, 70,000 बोकस सोर्स है, ये बोकस सोर्स ये लोग दला लेते हैं,
हायर करके लेके आते औरतों को आदमियों को, उनको डाल के ये लोग जीत जाते हैं। ये लोग खुद नहीं जीत सकते। जिस दिन मैं चैलेंजिंग जहीराबाद, जिस दिन थम इम्प्रेशन आ जाएगा, जिस दिन आईडी आ जाएगी वोट डालने के लिए, उस दिन पता चलेगा कि 25% से ज्यादा हैदराबाद में पोलिंग है, लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए। सिर्फ उनके जो कारिंदे हैं, पेड वर्कर्स है, गुलाम भक्त मुरीद, वही लोग जा जाके दिन में 10-10 वोट वो उनकी फैमिली डाल के आते हैं और कामयाब होते हैं। उनको एक आइडिया घटा हुआ है, उस आइडिया के ऊपर काम करके जीतते हैं और ये कहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जबरदस्ती के लीडर हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जाइए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, बहुत बड़ी जमात थी इन लोगों की। ऊपर चले जाइए, IUML है यहाँ पे। ऊपर जाइए, आसाम के अंदर जाइए, बदरुद्दीन अजमल साहब है, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े मुसलमान हैं, लेकिन टीवी डिबेट के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। टीवी डिबेट जो मोदी मीडिया है असदुद्दीन अवैसी को बिठा के उठाती है और मुसलमानों का इनको लीडर बताती है, जबकि मुसलमानों के लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, हम उनको लीडर नहीं मानते। मुसलमान हैदराबाद के 25% से ज्यादा बोलिंग हैदराबाद के, तो मैं जहीराबाद के मुसलमानों से, माइनॉरिटी से मैं यही कहूंगा, ठीक है आप गए थे देखे वहां पे, अच्छा नहीं है माहौल वहां का, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। बीजेपी में आप पलट के कांग्रेस में आ गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ साहब, आप जाके वापिस अच्छी जगह आ गए, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ और वहां भी रह सकते थे आप, लेकिन आप वापस आ गए। आके बोले कि मैं देश को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस का साथ देना जरूरी है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सुना क्या मेरा चैलेंज है सबसे, डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज के ऊपर बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को आप लोगों ने सुना क्या? जहीराबाद के भी आपके कुछ लोकल इश्यूज होंगे, यहाँ पे मस्जिदों के इश्यू होंगे, ईदगाह का इश्यू होगा, इमाम मौजन के तनख्वाहों का इश्यू होगा, तो बढ़ा रहे इमाम मौजन की तनख्वाह। अभी कांग्रेस का कल जो सब प्लान आया, सब प्लान के अंदर मौजन और इमाम की तनख्वाह और बढ़ा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। शादी मुबारक स्कीम के अंदर 1 तोला सोना बढ़ के देने का ऐलान किया, 1 तोला सोना भी देना है शादी मुबारक के अंदर, 1 लाख तो दे रहे हैं उसके अंदर, 1 तोला सोना दे रहे हैं। अरे यार अभी क्या क्या देंगे, अभी सारा रखा है, अब देते कि नहीं देते कि बोले तो कर्नाटक को जाके आओ बस में, वहां दे रहे नहीं दे रहे देख लेंगे फिर आओ। 100 डेज की गारंटी, 100 डेज के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर बोल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली, महीने को आपको कम से कम 10-12 हजार रुपए का एक फैमिली को आपके पॉकेट के ऊपर आपको बचेगा। वही आपको वोट के पैसे दे रहे हैं, समझ लो आपको 5 साल तक दोनों पैसे आपके पॉकेट से बच रहे हैं। बहरहाल आदमी को सोचने की जरूरत है, मजहबी जज्बात में ये हिंदू मुसलमान या असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के गुत्तेदार, इसके अंदर ना जाते हुए मुसलमान एक फैसला करो ताकि इनके ऊपर भी प्रेशर रहे। साफ प्रकार अरे मेरे क्षेत्र के पूरे मुसलमानों ने मेरे को वोट दिया था, कौन आया भाई बाहर, बोले बोले मुद्दो सत्तार आया भाई, अरे ये लोग हमारे वोट दिया भाई, सत्तार हमारा काम किया था, खोलो खोलो दरवाजा खुलवाने दो उनको, मुसलमानों को ये मुसलमान हमारा काम करेंगे, मेरे को जीता है, मेरे को मिनिस्टर बना है, मैं गवर्नमेंट में हूं, तो ये बेनिफिट हमको मिलता है, हम डायरेक्ट चुने और उनको एहसास दिलाए साहब हमने आपको मुंतखब किया है, आपकी जीत में मुसलमानों की हिस्सेदारी है, तो हमारे प्रॉब्लम्स में भी आप हमको हिस्सेदार बनाइए। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर कैंडिडेट एंड द वोटर्स। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द मुस्लिम वोटर्स टू कम फॉरवर्ड एंड मेक द कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ यू। सामने बैठो, अपने मसाइल रखो, अपना पेपर लेके आओ, बैठो बात करो, बोलो उनको बाधा लो, नहीं तो दस्तखत ले लो, बॉन्ड पेपर लाके 20 रुपए के बॉन्ड पेपर पे दस्तखत ले लो, ताकि कल के दिन खड़े के बाहर चिप सकते, मैं भी आपके घर के बाहर आके खड़े के चिपता हूँ साहब, आप ये साइन करके दिए थे ना, ये मुसलमानों का एक काम करके देता हूँ, बल्कि नहीं करे,
मैं भी आके बाहर धरना देता हूँ खड़े, पेपर लिखा हुआ रहता। तो तमाम बस्ती के जिधर जिधर के लोग है, आओ बैठो, अपना बात करो, संजीत जी के साथ एक प्रोग्राम बनाओ और एक जाके जो है कांग्रेस को दो, हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है, अब नहीं समझेंगे। मैं समझा नहीं सकता, 2024 मुसलमानों के लिए अच्छा, 2024 में अगर बीजेपी की हुकूमत कट है तो खुद मुसलमानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कट टाइम आएंगे हिंदू मुसलमान, यही सब नाटक चलेगा आपस में, खतर क्यों होगा, ये लोग करेंगे हार्ड लाइनर्स। इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके आए और फका परस्ती को भगा के हम जो है सेकुलर लोगों को दिलाए, एक सेकुलर हुकूमत को हम जो है कायम करें। तेलंगाना में हुकूमत कायम होती है तो MPs भी जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर आसानी होती है वो उस हुकूमत को हटाने के। तो मैं अपने आप को यहाँ मुख्तसर करते हुए यही कहूँगा दोस्तों, मुझे निकलना है, जाना है, और उम्मीद करता हूँ जहीराबाद के मुसलमानों से वो मेरी बात के समझेंगे और अपना वोट कांग्रेस के हक में, हाथ के हक में, हाथ के निशान के। मेरा नाम अब्दुल सत्तार मुजाहिद है, मैं आल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जमात केरला में ज़्यादा मजबूत है, 20 और 22 MLA 4 MP है, और राहुल गांधी साहब वायनाड जैसे दिखते हैं वहाँ हमारे 3 MLA है, बाकी कांग्रेस की है, हमारी सपोर्ट कंप्लीट है, उन्होंने इलेक्ट किया वहाँ से। हमारी जमात का ये डिसीजन है कि तेलंगाना के इलेक्शन में कैंडिडेट प्रैक्टिस में करके कम्प्लीट भी कांग्रेस को सपोर्ट करना। फिर आज उस सिलसिले में डॉक्टर साहब के चंद्रशेखर साहब से बात हुई, फिर उनके दामाद से भी हुई, उनकी दावत पे हमारे रैली में तशरीफ लाए। एक्चुअली रैली में कोई स्पीचेस नहीं होते, एक अलग टाइप की मूवमेंट रहता, इसलिए उनको बोलने का मौका भी मिल नहीं सका, मौजूद भी टाइम भी नहीं था क्योंकि नामिनेशन का था, उधर हम बीमार की वजह से चीन में के लिए नमाज में जाने का था। मुख्तर ये कि हमारा आने का मकसद ये है कि आज से कुछ हफ्ता पहले हमारी यहाँ की लोकल जमात के MP साहब आए, स्पीच दिए कि आप लोग मेरे मामू का साथ दीजिए, KCR को मामू बोल रहे हैं, खुद अपने आप मानते बोल रहे हैं, बराबर उसकी सपोर्ट करो और कांग्रेस को इल्जाम लगाए और साहब को भी इल्जाम लगाए। देखिए हर आदमी का एक पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, एक आदमी एक अच्छे इरादे से काम करने आया तो आप उसको गलत नुकसान नजर से नहीं देख सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना बोलूँगा कि कम्युनल पार्टी नहीं है, अगर फ्यू मेम्बर्स इसमें हो सकते इंडिया लेवल पे बड़ी पार्टी है, लेकिन 99% ये लोग जो सो ये आपके क्या बनना चाहिए, सेकुलर माइंडेड है, इसलिए हमारी मुस्लिम लीग हमेशा कांग्रेस से अलग रहा केरला में। ये बात राहुल गांधी जी अमेरिका जाके भी बोले तो बीजेपी वाले इश्यू बनाए कि सेकुलर कैसा है ये पार्टी, मुस्लिम नेम है, बोले हमारे साथ उनका कोलैबोरेशन है, लिहाजा हम ये चंद्रशेखर साहब जो KCR जिसको बोलते हैं, मैं 2001 से तेलंगाना मूवमेंट में साथ रहा, महबूबा मुफ्ती मैं बहुत बड़ा ग्रोथ ना कर सिकंदराबाद 25 लाख लोग लागे, तो शंकर का वो रामदास अतोले वगैरह जो मिनिस्टर है बीजेपी का वो भी था, मैं भी था, बहुत बड़ा मेरी एक ही शेरवानी थी, MIM वाले अगेंस्ट थे तेलंगाना के, 14 तक डेड अगेंस्ट थे लोग, कोई सपोर्ट नहीं था, मैं हमेशा साहब के साथ वरंगल कहीं जाता था, श्री कृष्णा कमेटी भी बैठी थी KCR साहब दिल्ली को मेरे साथ लेके आते थे प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ सेंटर में हमारा मिनिस्टर था, ये हम मुस्लिम लीग का मनमोहन सिंह कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर भी रहे, तो हमारी जो कोशिश थी तेलंगाना कायम होना, लेकिन आज बोलिए आज TRS से BRS हुई, ग्राउंड लेवल पे तेलंगाना को फ्रीज कर दिए, तेलंगाना का सेंटिमेंट लेके उठेंगे हम साथ क्यों दिए, हम मैं TRS का 1 रुपये का मेम्बर भी नहीं था मुस्लिम लीग में, मैं 40 ईयर्स हूँ इस पार्टी में, लेकिन तेलंगाना काज के लिए सपोर्ट करा, और उसके बाद हम देखे कि आज वो सब तेलंगाना नाम की निकाल दिया पार्टी में से, BRS होगी, TRS जाके BRS होगी, तो मोहब्बत ही कहाँ रही, वो जुनून वो जज्बे से लोग सॉलिड उसको
नेगलेक्ट करके बावजूद सोनिया मैडम डिक्लेयर करे तेलंगाना, लेकिन उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं करी, केसीआर भी सपोर्ट करके उनकी हुकूमत फॉर्म हुई। लेकिन आज टू यानी 10 साल के अंदर आज जो देखने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नेम चेंज कर दिया, और माइनॉरिटीज के लिए जो जो भी उन्होंने वायदे करे थे 12% रिजर्वेशन बोले, वक्त प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करता हूँ बोले, उसको आमिलाना एफटीआर जुडिशियल पावर देता हूँ बोले, क्या क्या नहीं बोले, अजीबे में रुबात बना दो बोले, हाँ और जाएंगे की दरगाह में ऐसा करता हूँ बोले, बड़ा जो खाली उन्होंने एक शादी मुबारक स्कीम और टेमरिस के स्कूल खाने पर हमारे वक्त प्रॉपर्टी का केस जो हम जीते लेंको हिल्स का गच्ची बोली में 1200-1500 एकड़ लाइन है, हाईकोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये उसको कैंसिल करा के गवर्नमेंट के फेवर में करे, तो हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आप 1 लाख रुपए दे के शादी मुबारक में हमको एहसान कर रहे हैं, अरे हमारी प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करें तो गवर्नमेंट से भीख मांगने की जरूरत नहीं हमको, लेकिन आप धोखा दिए। और ये समझ में नहीं आ रहा 2014 तक असद साहब तेलंगाना की कई बात नहीं करे, एक दफा बात करे तो बोले रायला तेलंगाना बोले, तेलंगाना कम्प्लीट नहीं बोले, लेकिन आज जैसे जीतने के बाद दोनों भाई डिनर पॉलिटिक्स करके 14 में इतने क्लोज हो गए, हम जब क्लोज थे केसीआर के अब दूर हो गए, क्योंकि पावर में है वो लोग लोकल में, लिहाजा क्लोज हो गए। अब वो मामू की तारीफ ने पूरे भांजे साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी जहीराबाद इधर उधर जाके मुसलमानों को शेक कर रहे हैं कि कांग्रेस वोट मत दो। आप ये बोलिए कांग्रेस के साथ कौन रहे, तुम्हारे बाप, तुम 75 ईयर से कांग्रेस की सपोर्ट में रहे, कि आज मेडिकल कॉलेजेस जो जो भी इनका डेवलपमेंट है कांग्रेस की अलायंस से डेवलपमेंट हुआ था इनका, आज टीआरएस की सपोर्ट करके कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो बहरहाल आप क्योंकि टीआरएस की सपोर्ट कर रहे हैं, टीआरएस इंटरनल जो सो बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है, गोया आप टीआरएस को बीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। ये मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, पार्लियामेंट में जितने बिल मंजूर हुए हर बिल में टीआरएस सपोर्ट करी बीजेपी का, इवन ट्रिपल तलाक का मसला पैदा हुआ हमारे पर्सनल में मदाखलत माइनॉरिटी मुस्लिम के, तो भी टीआरएस जो सो सपोर्ट किसको की, उसी बीजेपी को करी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, पूरे वोटिंग उनकी उसमें फेवर में हुए, तो बताइए आप कब मोदी से दूर है। आज भी अगर टीआरएस गवर्नमेंट आई तो समझना आने वाले 14 में एमपी इलेक्शन में ये लोग विड्रा होके बीजेपी की मेजोरिटी लाने के लिए केसीआर साहब काम करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की और टीआरएस की, मुसलमानों समझना होगा, अगर कांग्रेस आएंगी तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस आएंगी, तो इसकी हुकूमत को सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के वास्ते दस्तूर को बचाने के लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए और देश को बचाने के लिए एक लार्ज स्केल पर सोचकर आपको कांग्रेस को वोट देना होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर साहब कोई नए आदमी नहीं है, 5 टर्म इलेक्शन लड़के एमएलए रहे, वैराबाद में खिदमत करे जो है, अब उनके नेटिव प्लेस जहराबाद जो बाजू के मिले थे वहाँ के